हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका एक बार फिर से इन्वेस्ट फॉर चैनल जो कि आपका चैनल है इसमें आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूँ

इसके अलावा पर पर बजाज हिंदुस्तान कंसोलिडेशन मोड पे है कुछ दिन पहले पर देखिए रेनु का शुगर दिया था आज भी लगभग सत्रह अठारह परसेंट यहाँ पर भाग, भागा है शेयर बट स्टिल मैं यहाँ से आउट हो चुका हूँ ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बता दिया था तो अभी यहाँ पर ऊपर चढ़ के लेने में कोई फायदा नहीं है बट इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक से रिलेटेड एशियन टाइल्स आज की डेट में देखे तो लगभग यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया उसमें मुझे कुछ कन्फ्यूजन थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े और इसके राइट इशू से रिलेटेड बातें करें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उससे रिलेटेड बातें करें आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर ये आपका चैनल है सब्सक्राइब बेल आइकन को हिट ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो आए तो आप वीडियो को देख सके आप यहाँ पर वीडियो का आनंद ले सके बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है और ये पर्टिकुलर नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे अगर आप हमें यहाँ पर कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पर बात करने वाले एशियन गिरनेटो की एशियन गिरनेटों की आज बात करें तो लगभग सोलह परसेंट ये शेयर यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है ओके okay, नीचे की तरफ ये गिरा है फिर उसके बाद भागता हुआ दिखाई दिया है लगभग बार लग ये बारह से तेरह परसेंट ये ऊपर की तरफ गया है अगर नीचे से यहाँ पर काउंट करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी तो यहाँ पर मेरे पास दो अकाउंट है दोनों अकाउंट में मेरे पास ये शेयर है एक एंजल ब्रोकिंग का है एक जेरोदा का है जेरोदा में यहाँ पर प्रॉफिट दिखा रहा है तेरह का

तो राइट इशू कितने रुपए का आया तो एक राइट इशू अगर हम यहाँ पर जो इसके लास्ट प्राइस है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये राइट इशू आता हुआ दिखाई दिया है बहुत कम प्राइस पे लगभग पैंसठ परसेंट पैंसठ रुपए के यहाँ पर अः यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है आ, यहाँ पर इसका राइट इशू तो उसी से रिलेटेड और भी बहुत सारी डिटेल्स है वो हम बात करेंगे हम इसका फ्यूचर से रिलेटेड बात करेंगे क्यों क्योंकि ये शेयर मेरे पास भी है ओके okay, मैं क्या करने वाला हूँ उससे रिलेटेड बातें करूंगा एज वेल एज हम बात करेंगे कि आपको एग्जेक्टली exactly करना क्या चाहिए ओके okay, उससे रिलेटेड बातें करेंगे क्यों क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये शेयर लगातार यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर आप देखेंगे एक पहले यहाँ पर शेयर बहुत भागा भी था उसके बाद से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो लगातार यहाँ पर गिरावट और जो ये जो लेवल है इसने यहाँ पर जो पेंडेमिक के लेवल आया था उससे भी यहाँ पर नीचे आ चुका है ये पर्टिकुलर शेयर तो करना क्या है उससे रिलेटेड हम यहाँ पर बातें करने वाले हैं तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं

पार्किंग वर, वर्टिफाइड एज एज वेल मार्बल मार्बल से रिलेटेड फ्लोर टाइल से रिलेटेड किचन बाथवेयर से रिलेटेड कंपनी काम करती है एज वेल एज यहाँ पर इनके क्लाइंट देखेंगे लोधा एनसीसी बंधन बैंक एक्सिस अडानी जियो कैप सी सी डी पिजा एयरटेल रिलायंस द लीला यहाँ पर एक बड़ा रेंज ऑफ यहाँ पर दे रखा है एन एस सी वगैरह जहाँ पर ये इनके प्रोडक्ट्स यूज होते हुए दिखाई देते हैं एक बड़े क्लाइंट यहाँ पर इसके दिखाई देते हैं दिल्ली मेट्रो तो एक बेहतरीन यहाँ पर ये शेयर दिखाई देता है एन पी सी सी

ओके okay, फिर आ, फिर अच्छा खासा तो ये रेडी हो गया था बढ़ने के लिए बट अगेन यहाँ पर ये शेयर गिरता हुआ दिखाई दिया ओके okay, और गिरने के बाद अब अब इसका दोबारा राइट इशू आ रहा है और राइट इशू कितने रुपए के प्राइस पे आ रहा है इसका जो राइट इशू आ रहा है लगभग वो पैंसठ रुपए के प्राइस पे आ रहा है जो कि हम यहाँ पर आगे देखते हुए नजर आएंगे तो एक्जैक्टली हमें करना है क्या है क्या हमें लॉस बुक कर देना है ओके okay, क्योंकि शेयर एक सौ से जब से मैं आपको बताते आ रहा हूँ ओके तब से लगातार यहाँ पर गिरावट हुई है और लगभग छह महीने हो गए अक्टूबर में आया था फिर उसके बाद अब आ रहा है तो छह महीने से में ये शेयर दो बार राइट इशू लेके आ गया है तो राइट इशू का मकसद क्या होता है राइट इशू होता क्या है वो मैंने वीडियो बना रखी है आई बटन पर लिंक दे दूंगा तो आपको समझ में आएगा तो राइट इशू का एक ओवरव्यू अगर देना चाहूं तो राइट इशू इसे सही नहीं माना जाता ओके okay, तो राइट इशू लाने के पीछे दो रीजन हो सकते हैं या तो डेट का रिपेमेंट या फिर एक्सपेंशन तो इनकी नियत देखी जाती है कि प्रमोटर्स की नियत क्या है प्रमोटर्स यहाँ डेट पे जो पैसे ले रहे हैं वो डेट पे के लिए ले रहे हैं या नहीं ले रहे इसके अलावा जो यहाँ पर पैसे लिए जा रहे हैं वो एक्सपेंशन के लिए लिए जा रहे हैं तो एक्सपेंशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे उस चीज पे तो देखिये शेयर शॉर्ट टर्म में कितना भी हो सकता है एक साल ही हुआ है एक साल को हम इसे शॉर्ट टर्म में ही देखते हैं बट लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म में ये शेयर और बेहतरीन नजर आता है या नहीं आता उससे रिलेटेड बातें करेंगे तो सबसे पहले राइट इशू से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स यहां पर देख लेते हैं, तो आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनका राइट इशू आता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो राइट इशू है वो कितने फेस वैल्यू का है इनका फेस वैल्यू है दस तो दस का भी नजर आता है टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर की अगर हम बात करें तो सिक्स करोड़ लगभग चार सौ चालीस करोड़ छियावे लाख रुपए का यहाँ पर ये फुल्ली पेड अपने आते हुए दिखाई देंगे राइट इशू आता हुआ दिखाई देगा राइट इशू का प्राइस क्या है राइट इशू का प्राइस मैं सिक्सटी फाइव कह रहा था सिक्सटी थ्री रुपीज पर फुल्ली यहाँ पर दिखाई देता है मतलब तिरसठ रुपए में आपको यहाँ पर दिखाई देगा अभी प्राइस क्या चल रहा है, अभी प्राइस चल रहा है 98 तो यहाँ पर अगर देखे तो लास्ट टाइम जब इसका प्राइस एक सौ था अठारह था, से 40 -45 पर यहाँ पर पे मिल रहा था बट अभी यहाँ पर थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दिया बट स्टिल यहाँ पर अगर थर्टी परसेंट के आसपास का यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलता हुआ नजर आ रहा है इंक्लूडिंग द प्रीमियम ऑफ फिफ्टी थ्री पर उस टाइम के हिसाब से फिफ्टी थ्री रुपीज का यहाँ पर फायदा होता हुआ

अप्लाई करना होगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इसके अलावा अगर आप अप्लाई नहीं करना चाहते मैंने हमेशा राइट इशू के बारे में बताया कि राइट इशू के जितने भी शेयर होंगे वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे अगर आप वहां से बाइंग करना चाहते हैं तो बाई कर लीजिए अगर आप बाई नहीं करना चाहते वो यहाँ पर सेल कर दीजिए ओके जो आप करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप कर सकते हैं आपको कोई भी किसी भी तरीके की यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी वो भी एक वीडियो बना रखा है आई बटन पर लिंक दे दूंगा और जब ये राइट इशू आ रहा होगा उस टाइम एक वीडियो और बनाऊंगा तो यहाँ पर हमारे साथ जुड़ जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको एक पूरा आइडिया लगता हुआ नजर आएगा कि आपको एग्जैक्टली

गेम खेलते हुए नजर आए हैं और प्रोमोटर्स इससे बहुत बेहतरीन यहाँ पर फायदा उठ लेने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा जब इसके हम बैलेंस शीट से के बारे में रूबरू करेंगे तो यहाँ पर कुछ और पॉइंट है वो आप यहाँ पर देखिएगा लगभग यहाँ पर सिक्सटी मिलियन यूएसडी रिलेटेड यहाँ पर राइट इशू आता हुआ दिखाई दे रहा है चार करोड़ के आसपास इसके अलावा वो सब चीज यहाँ पर दे रखी है किस तरीके से यहाँ पर ये फिफ्टी के डिस्काउंट पे आता हुआ दिखाई दिया है पच्चीस तारीख को शुरू होगा दस तारीख को क्लोज होगा वो सब चीज यहाँ पर दे रखा है तिरसठ के प्राइस पे राइट इशू आता है

आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी टू इंक्रीज तो यहाँ पर लगभग 12 करोड़ सड़सठ लाख शेयर यहाँ पर हो जाएंगे और अभी लगभग 5 करोड़ सड़सठ लाख शेयर यहाँ पर दिखाई देते हैं तो काम किस लिए यहाँ पर एक बेहतरीन इंडिया लार्जेस्ट डिस्प्ले सेंटर ये ए, आ, के बनाने जा रहे हैं उसके लिए यहाँ पर इनको पैसे चाहिए उससे रिलेटेड यहाँ पर सारी डिटेल्स दे रखी है तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा तो 46 परसेंट के डिस्काउंट पे आया था छह तारीख को जब ये राइट इशू का ऐलान हुआ था उसके हिसाब से बट अभी लगभग ये शेयर बीस रुपये यहाँ पर गिर चुका है तो बीस रुपये को यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा तो आपको एक कैलकुलेशन आ जाएगी कितने परसेंट के आसपास का यहाँ पर अभी अभी यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है इसके अलावा लास्ट टाइम क्या हुआ था उस रिलेटेड मैं बताऊंगा क्योंकि लास्ट टाइम मैं भी इसमें अभी तक यहाँ पर बना हुआ हूँ और करने क्या वाला हूँ उससे रिलेटेड हम यहाँ पर बात करेंगे वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो यहाँ पर लास्ट तक बने रहे तो चीजें आपको और भी चीजें समझ में आएगी तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको पढ़नी है यहाँ पर सब चीजें पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा किस तरीके से क्या होता हुआ नजर आ रहा है इनका बिजनेस किस किस तरीके से 100 कंट्रीज में यहाँ पर इनका काम है और 120 प्लस कंट्रीज में इनका एक्सपेंशन है और रिटेल टच पॉइंट लगभग यहाँ पर 10,000 थाउजेंड पर सब चीज दे रखा है एक्सक्लूसिव शोरूम ओवर फाइव ये जो एक्सक्लूसिव है ये सब चीज यहाँ पर दे रखा है इसके अलावा यहाँ पर प्रॉफिट कंपनी के प्रॉफिट है ये किस तरीके से अलग अलग इनकी सब्सिडरीज काम करती हुई दिखाई देती है वो भी यहाँ पर दे रखा है एक बार इसे भी जाके आप पढ़ लीजिएगा तो आपको पूरा का पूरा एक आइडिया लगता हुआ नजर आएगा जी ये मैं पढ़ चुका हूँ और लगभग लगभग ऊपर से आपको सब कुछ यहाँ पर बता चुका हूँ अब बात कर लेते हैं कुछ कि किस तरीके से खेल हो गया है तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिये सबसे पहले कंपनी काफी बेहतरीन है ओके टाइल्स के बिजनेस में और जिस तरीके से घर बन रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है इनके प्रोडक्ट्स यूज होने ही है आज जाने तो कल यहाँ पर प्रोडक्ट यूज हो भी रहे

Uh, इनका ये डेट है उसे रिपेमेंट करने के लिए तो इन्होंने लगभग नेट डेट फ्री कर दिया है एक सौ बारह एट्टी टू करोड़ रुपीज के आसपास का यहाँ पर डेट था सितंबर में राइट इशू अक्टूबर में आया था वो चीज यहाँ पर देनी रखी तो लगभग इन्होंने फाइव फिफ्टी सेवन करोड़ का इनके पास रिजर्व भी है और कैश की बात करें कंपनी ने यहाँ पर कैश भी रेज किया था तो शायद कैश भी होगा और जो कैश इन्होंने रेज किया था उससे सारा का सारा इन्होंने अपना स्टैंडर्ड लोन के बेसिस पे सब कुछ यहाँ पर रिपेमेंट कर दिया जो कि यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर लिख भी रहा है तो एक बार देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगी तो नेट डेट फ्री कंपनी हो चुकी

ओके एज इट इज यहाँ पर बने हुए थे बट मार्च में इन्होंने इस पर्टिकुलर क्वार्टर में यहाँ पर तीन परसेंट के आसपास की हिस्सेदारी टू पॉइंट समथिंग परसेंट की टू पॉइंट एट एट परसेंट की हिस्सेदारी इन्होंने यहाँ पर खरीद ली मतलब यहाँ पर इन्होंने उस मतलब यहाँ पर हिस्सेदारी खरीदी है ओके okay, एफ ने हिस्सेदारी बढ़ाई है और पब्लिक की हिस्सेदारी भी यहाँ पर देखिए अब धीरे धीरे कम होती हुई नजर आ रही है तो यहाँ पर पब्लिक से पह, यहाँ पर से पहले पब्लिक को शेयर दिए गए ओके रिटेल ने यहाँ पर बेच दिया तो रिटेल यहाँ पर अब दोबारा आते हुए दिखाई देंगे यहाँ पर रिटेल कम होते हुए दिखाई देंगे प्रमोटर्स धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो खेल क्या हो गया खेल ये हो गया है कि पहले तो इन्होंने कम करी लगभग टेन परसेंट इलेवन परसेंट अब यहाँ पर धीरे धीरे ये बढ़ा रहे हो और यहाँ पर लगभग ट्वेंटी नाइन परसेंट की जो हिस्सेदारी है वो सारे के सारे इक्विटी शेयर्स यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया था पूरा पार्टिसिपेशन ये करते हुए नजर आएंगे उस आ, मतलब इस पर्टिकुलर राइट इशू में और राइट इशू का साइज क्या है सिक्सटी थ्री रुपीज तो सिक्सटी थ्री लगभग इनके पास शेयर कितने हैं थर्टी परसेंट ओके ये थर्टी परसेंट के थर्टी परसेंट शेयर यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे और राइट इशू इन्हें मिल जाएगा तो ऑब्वियसली बात है इनकी जो शेयर होल्डिंग है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी एज पहले प्रमोटर की होल्डिंग तो बढ़ जाएगी और यहाँ पर इनको लाभ हो जाएगा इन्होंने जो ऊपर के लेवल पर शेयर बेचे थे अब नीचे के लेवल पर खरीदते हुए नजर आएंगे तो यहाँ पर इन्हें बेहतरीन फायदा होता हुआ नजर आएगा तो ये एक खेल होता हुआ नजर आया है और जो लोग यहाँ पर समझ नहीं पा रहे तो यहाँ पर करना क्या है मैं क्या करने वाला हूँ मैं राइट इश्यू में अप्लाई करने वाला हूँ ओके यहाँ पर तीस की जगह सैंतीस शेयर मिलते हुए नजर आएंगे जिसके पास जितने भी शेयर है उसके उसका उससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा साठ शेयर है तो लगभग थर्टी सेवन मल्टीप्लाई टू किसी के पास नाइन्टी शेयर है तो थर्टी सेवन मल्टीप्लाई थ्री तो इस तरीके से यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगी आपको कितने शेयर मिल रहे हैं और थोड़े बहुत टाइम में यहाँ पर चीजें बदलने वाली है और वो बदलेगी लेगी कैसे जो इनके नंबर दिखा रहे हैं ना कंसोलिटेट नंबर यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट आ रही है और कंपनी का हाइस्ट एवर यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है फिफ्टी करोड़ नाइनटी करोड़ और हाएस्ट एवर जब नंबर

इसी कितने टाइम में लगभग 2013 से यहाँ पर अगर बात करें चार साल पांच साल के अंदर अंदर आपके पैसे को कितने मल्टीप्लाई कर दिया और इसी तरीके से गिरावट हो चुकी है राउंडिंग बॉटम बन राउंडिंग टॉप बन चुका है अब राउंडिंग अब बॉटम बनते हुए नजर आएगा और यहाँ तक भी चला गया तो आपके पैसे कितने परसेंट हो जाएंगे आप यहाँ पर खुद देख लीजिए और मैं तो यहाँ पर लास्ट तक बना हुआ हूँ और दोबारा अब मैंने इतने पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रखे अब बट अब दोबारा राइट इशू में पार्टिसिपेट करूंगा तो वही फाइव परसेंट का जो रेशो होता है कि फाइव परसेंट तक इन्वेस्ट कर सकते हैं तो फाइव परसेंट का रेशो कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर लगभग तक के पर रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे मैं पार्टिसिपेट करूंगा नो लॉस नो प्रॉफिट यहाँ पर लॉस में बुक करने की कोई जरूरत नहीं है काफी बेहतरीन नंबर है नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और प्रोमोटर्स ने जिस तरीके से यहाँ पर गेम खेला है सब चीज यहाँ पर चेंज होती हुई नजर आई है कि छब्बीस सौ उनतीस राइट इशू में भी पार्टिसिपेट करेंगे वो भी हंड्रेड परसेंट तो यहाँ पर इनके पास ट्वेंटी नाइन परसेंट शेयर है तो याद रख लीजिए किस तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी लगभग 30 परसेंट के शेयर हैं इनके पास 740 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप है इसे थ्री लगभग थ्री थ्री से यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए और थोड़ा कम कर दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगी कि 200 करोड़ चार सौ साढ़े चार सौ करोड़ का राइट इशू है पूरा पार्टिसिपेशन ये करेंगे तो यहाँ पर इनको पूरे के पूरे अगर शेयर मिल जाते हैं तो इनको अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ता हुआ नजर आएगा तो मतलब कंपनी यहाँ पर प्रमोटर्स ने एक तरीके से गेम जरूर खेला है बट वो गेम प्रॉफिट के लिए खेला है ओके okay, खुद के के प्रॉफिट लिए और कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है कंपनी का एक्सपेंशन जब होता हुआ दिखाई देगा सब कुछ बेहतरीन नजर आएगा बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है अकॉर्डिंग टू मी मैं क्या करने वाला हूँ वो बता दिया है राइट right इशू जब आएगा तब क्या करना है उससे रिलेटेड हम यहाँ पर तब बात कर लेंगे सो थैंक यू सो मच फॉर ब्लस